गैस तो यहाँ पे ना मैं सब्जी लगा रही थी, ये सब्जी लेके आई थी ना मैं मार्केट से, सब्जी बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे ना मैं वही सब्जी लगा रही हूँ। यहाँ पे ये टमाटर है, और पता है सब्जी ना बहुत महंगी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो ये टमाटर है, बाकी का और हरी सब्जी वगैरह है ना, इसको मैं अच्छे से लगा के फ्रिज में और रख दूँगी। मैं ना पन्नी में ही रखती हूँ, क्योंकि पन्नी से बाहर निकालो ना तो सब्जी अजीब सा मतलब सूख जाता है। तो इसलिए ना मैं सारी सब्जियाँ पन्नी में रखती हूँ, बाकी जो अलग रखने लायक होता है तो वो मैं अलग रखती हूँ। और सब्जी वगैरह रखने के बाद से ना यहाँ पे ये गरम मसाला मैं निकाल रही हूँ, और थाली में निकाल रही थी तो पता है गिर गया था थोड़ा सा। ये तो कहो ना स्लीप बिल्कुल सूखा था, और एकदम साफ़ करके मैं रखी थी तो यहाँ से उठा ली थी। ज़्यादा नहीं गिरा था, थोड़ा ही सा गिरा था, तो वही मैं उठा के ना और ये रख दी हूँ। ये गरम मसाला ना मैं साबुत मंगा के, और इसको ना मैं थोड़ा सा भूनती हूँ, उसके बाद से इसको मैं पीस के और रख लेती हूँ। ऐसे क्या होता है ना, काफ़ी इजी होता है हमें यूज करने में। और ऐसे क्या है, साबुत अगर जो पीसो ना निकाल निकाल के हर रोज़ मसाले में, तो अंदाज़ा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सारा इकट्ठी ही पीस के और रख लेती हूँ। इसको ना मैं अच्छे से मतलब गरम क्या भून ही ली थी, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनी थी और बहुत कम भी नहीं भूनी थी, ठीक ठाक भून ली थी। तो यहाँ पे ना तेज़ आंच पे ही मैं इसको भून के, और यहाँ पे थाली में ना मैं निकाल लूँगी। ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तो मैं इसको फिर पीसूँगी, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है। और सेम कढ़ाई, उसी कढ़ाई में ना मतलब कढ़ाई गर्म था, तो ये मसूर की दाल है, इसको भी ना मैं भून के रख लूँगी। हालांकि ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस जितना भी था मैं इसको भून के, इसको तो अच्छे से भूनना है, और उसके बाद से ठंडा हो जाए तो फिर मैं डब्बे में रखूँगी इसको। और ऐसे क्या है ना, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है अगर जो दाल भून के रख दो उसके बाद से बनाओ तो। और यहाँ पे ये साबुत जो खड़े मसाले थे ना, इसको थोड़े से मैं कूट लूँगी, जो ज़्यादा बड़े बड़े थे, जो पीसने लायक नहीं थे, तो इसको मैं कूट के उसके बाद से पीसूँगी। और यहाँ पे दाल भी हमारा भून चुका है, इसको भी मैं प्लेट में। गाइस तो यहाँ पे ना मसाला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद से मैं इसको पीस दूँगी। अभी बहुत गर्म है, और दाल ठंडा हो जाए तो इसको डब्बे में भर के रख दूँगी। ये भून दी हूँ ना, तो दाल भुने हुआ का ना स्वाद अच्छा आता है, जैसे दाल वगैरह बनाओ ना उसका तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैं भून के और रख दी हूँ कि जब भी बनाना होगा तो हमें आलकस नहीं आएगा, और भूनना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ मसाला भूनो और इसको डाल दो बस। और दाल वगैरह भूनने के बाद से ना मैं ये टोकरी साफ़ कर रही हूँ। ये लहसुन ना मैं पूरा गिरा दी थी, उसके बाद से मैं इसको साफ़ करके रखूँगी। बड़े बड़े वाले तो मैं छांट के रख दूँगी, बाकी जितने भी छोटे छोटे थे ना इसको मैं पीस लूँगी। ऐसे क्या है ना, बहुत अच्छा रहता है। और आज मैं छोटे वाले सारे काम कर ली थी जितने भी।